हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरब रियाद हो चुका और यहाँ पे जो है ना एक भाई है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, सब खैरियत भाई जान? हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया। कहाँ से हो भाई जान? भाई हम यूपी से हैं। तो यूपी से हैं, चलिए अच्छी बात है भाई जान। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? हमको 4 साल हो गए माशाल्लाह। जैसे कि भाई का जो है 4 साल हो गया, और क्या काम करते हैं आप? हम लोग गाड़ी धुलाई का काम करते हैं। नवास कंपनी का नाम है? यानी कंपनी का नाम है। तो जैसे कि भाई का कंपनी का नाम नवास है और 4 साल हो गया। 4 साल। छुट्टी उट्टी गए थे कि नहीं? छुट्टी भी नहीं गए, बीमारी की वजह से भी फंस गए। तो जैसे कि आपका पड़ोसी है, तो जैसे कि आप जो नहीं जाने वाले थे, लेकिन वही कोरोना की वजह से। चलिए अच्छी बात है। तो पगार वगैरह क्या है, कुछ बता सकते हैं? हाँ, पगार 1400। 1400। खाना पीना? खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह सब उसी में से है। उसी में से है। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम आए थे तो कितना खर्चा करके आए थे आप? फर्स्ट टाइम में आए थे तो 1.25 लाख खर्चा करके आए थे। 1.25 लाख? बहुत ज़्यादा ले लिया था। कहाँ से आए थे भाई? अरे हम तो इधर अपने रिश्तेदारी से आए थे। रिश्तेदारी में एजेंट यानी गाँव वाले? गाँव वाले। यार 1,25,000 यानी बहुत ज़्यादा ले लिया। कहाँ से? बाराबंकी से बोले थे? बाराबंकी। यार तो बहुत ज़्यादा, इधर सीतापुर। यार तो बहुत ज़्यादा ले लिया था लेकिन आपको 1.25 लाख रुपया, यानी बहुत ज़्यादा भाई। बहुत ज़्यादा, लेकिन नए नए आदमी तो कुछ पता नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ले लिया, क्योंकि कम से कम 60-65 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले ड्यूटी भी ज़्यादा बहुत थी। और पहले ड्यूटी भी ज़्यादा था? ड्यूटी का 20-22 घंटा ड्यूटी रहे। तो सैलरी उस टाइम कितना मिलता था? बस 1200 सैलरी रहा पहले। पहले 1200, अभी यानी बढ़ाया। और अभी अब तो चलो 4 साल हो गए तो 200 बढ़ा दिया था। और अभी ड्यूटी यानी थोड़ा नॉर्मल हुआ? अभी नॉर्मल ड्यूटी। अरे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ तब नॉर्मल हुआ है, नहीं तो पहले। और पगार उगार टाइम से मिलता है कि नहीं? पगार का टाइम से नहीं मिलती। अब कल सैलरी मिली अगले महीने की, यानी 1 महीने रुक कर चलता है। नहीं, कोई कई कंपनी ऐसे होते हैं कि भाई नहीं, हम लोग रोज 500-600 रोज कमा के देते हैं। नहीं, वो आप कमा कर देते, उससे मायना नहीं है, समझ रहे हैं? सप्लाई वाले भी ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे जो है ना, यानी कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि महारा भी हो गया, बहुत सारी कंपनी है, तो ये जो है ना क्या करते हैं, पेंडिंग में रख देते हैं। ये ना कपिल का काम है, बस कपिल का काम है। 4 आदमी है। जी जी। 2 कपिल हैं। जी जी। एक औरत है, वही काम कराती है। चलिए अच्छी बात है। तो जैसे कि भाई जो है ना यहाँ पे नौ यानी नववास का काम है, और यहाँ पे जो ना ये अभी 4 ही बंदे हो आप? 4 ही बंदे। यार तो बहुत कम बंदे हो आप। बहुत कम हुआ, क्योंकि तो यानी मटेरियल सब यही है ना? मटेरियल तो वैक्यूम है। और ये पानी टंकी क्या चीज़ का होगा? इसमें पानी है। पानी है। तो ये एक टैंकी से कितना गाड़ी सफाई कर लेते हैं भाई? इसकी 6-7 गाड़ी हो जाती है। 6-7 गाड़ी। तो जैसे कि भाई जो ने यानी 6-7 गाड़ी सफाई कर लेते हैं। और 250 में है सीटी धुलाई होना जी। तो जैसे कि कोई भाई जो है यहाँ पे उसको मालूम नहीं है, अगर कार वॉश में आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा? दिक्कत का ये काम ठंडी गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। ठंडी में भी मुश्किल है, गर्मी में धूप में गाड़ी रहती है बहुत। तो फिर यानी काम करने में दिक्कत होता रहता है? बहुत दिक्कत होती। तो क्या कहिएगा भाई कि लेबर क्लास में आने के लिए बोलिएगा कि कोई काम सीख कर आए बेहतर है? काम क्या सीख कर आए तो सही रहेगा, बेहतर रहेगा। तो जैसे कि भाई जो है ना, बहुत सारे भाई बोलते रहते हो कि भाई आप जो है ना कार वॉशिंग वाले बताओ, तो भाई कार वॉशिंग देख लो, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस शेयर कर दिया भाई, कोई काम सीख लो। मैं बताता रहता हूँ कि कोई टेक्निकल में आओ, लेबर क्लास में कहीं भी कोई क्लीनर और टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए आओगे ये बेहतर नहीं है, बहुत मुश्किल है। सही है कि नहीं? मैं हमारे तरफ से आना चाहते हो तो कोई काम सीख कर आओ, 6 महीना लेट करके आओ लेकिन काम सीख कर आओ। सही है कि नहीं? सही है। काम सीखे हुए तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जी जी जी। अब जैसे यहाँ आ जाओगे गाड़ी धुलाई में बहुत मुश्किल हो जाएगा, धूप में गाड़ी धुलना है बहुत मुश्किल है। जी जी जी। तो जैसे कि कोई आपके जानने वाले देख रहे हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे जानने? जैसे कोई दोस्त यार देख रहे हैं, जैसे कि नया भाई देख रहे हैं, तो उसको सलाम दुआ करना चाहेंगे? ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। तो भाई बिजी में है, तो मैं नहीं चाहता कि भाई को ज्यादा परेशान करूँ, अभी भी मशगूल ही है। सही है कि नहीं? और कितना घंटा ड्यूटी बताए थे आप? 12 घंटा भाई। तो जैसे कि भाई का जो है ना यानी 12 घंटा ड्यूटी है अभी, बकरी से ड्यूटी हुई। और तो जैसे कि आप ऑनलाइन काम करते हैं? ऑनलाइन भाई काम। तो टिप्स वगैरह मिलता है कि नहीं? नहीं, टिप्स नहीं मिलता है। जो कस्टमर सही होता है वही 10-20-50 देते हैं। यानी खाने पीने का निकल जाता है? खाने पीने का निकल जाता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कुछ मिल जाता है अच्छी बात है। ठीक है। तो चलिए, शुक्रिया मेहरबानी आपने अपना कीमती टाइम देने के लिए। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।